एकेडमिक करियर चाहे भाई का है, मैं जानता हूँ शायद की, इसलिए आप लोग तो अपने यहीं पे हैं। आज पत्रकारिता जगत का कोई ऐसा पत्रकार नहीं है सीनियर पत्रकारों में जो जाहिद भाई से न मिला। क्या बात है, आज इनकी लेखनी इतनी मजबूत है कि सचिवालय के गलियारे गलियारे में प्रत्येक नेता और प्रत्येक अधिकारी IAS जाहिद भाई को जाहिद भाई ने मिलाता है। पत्रकारिता जगत में आज जो जाहिद भाई की स्थिति है, इनकी लेखनी इतनी मजबूत है कि मैं समझता हूँ किसी आप पत्रकार से पूछेंगे जो सीनियर ऑडिटर और पत्रकार हैं, जाहिद भाई को उसमें गिनती है। बहुत शुक्रिया आपका। 18 साल हो गए मुझे पत्रकारिता का। अभी सरासा जी ने जो बात कही किसी हद तक तो सही है। मैं आपको बताऊं, मेरे KTM के VC थे, हमें भी भाट साहब मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। VC की उनकी पोस्टिंग हुई थी तो मैंने उनकी बड़ी मदद की थी, लेकिन उनके छत्रछाया में घोटाला हो गया KGM में, जिसके बारे में मुझे पता लग गया। तो मैंने उसके बारे में अखबार में निकालने का तय किया, मैं लिखूंगा इसके बारे में। तो भट्ट साहब ने मुझे बकायदा कहा कि आपस की बात है, इसको रहने दो वरना बात बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पत्रकार हूँ, दलाल पत्रकार नहीं हूँ, लिखूंगा। और मैंने हाफ पेज की वो घटना लिखी थी जिसके बाद उनका सस्पेंशन हो गया। और वो दिन और आज का दिन भट्ट साहब मुझसे बात नहीं करते हैं, क्योंकि सुरेश खन्ना जो स्वास्थ्य मंत्री थे, बकायदा में उनके पास भी गया था और अखबार में उनके सामने रखा और मैंने कहा कि ये हो रहा आपके नाक के नीचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जांच बिठा दी है, 15 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और ठीक 15 दिन बाद उनको वहाँ से हटा दिया गया। कोविड के दौरान उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, क्योंकि VC वहाँ पर कोई मिल नहीं रहा था कोविड की वजह से। तो 3 महीने तक उन्होंने मेरे मेडिकल कॉलेज में आने में प्रतिबंध लगा दिया। मैं एक लौटा पत्रकार था जिसको उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था कि मेडिकल कॉलेज नहीं आना चाहिए। हालांकि फिर भी मैं जाता था। कोरोना में मैंने 2 साल कोविड वार्ड के अंदर घुस करके कवरेज किया। कई डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि आप जान से खेल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने 2 साल तक उसमें PGI के कोविड वार्ड में, KGM कोविड वार्ड में अंदर घुस के मैंने बकायदा मरीजों के साथ मिलकर कवरेज किया। अभी जिस बात का जिक्र हमारे मध्य जी कर रहे हैं, मैं जनसंदेश टाइम्स में न्यूज एडिटर था, पिछले साल की बात थी। तो 2 दिन पहले मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक